हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही तो जिंदगी यूं ही चलती रहे, इसके लिए हंसते मुस्कुराते जिंदगी को आगे बढ़ाओ और पुरानी बातों को खत्म करो। रिश्तों को समझ के चलना पड़ता है। गलती सब करते हैं, कोई सहता है नहीं सहता, भाई गलती करता है सहना पड़ता, चल भाई है यार किससे लड़े, अपने से क्या लड़े, क्यों भाई है क्या लड़ेंगे, माँ है क्या लड़ेंगे, बाप है क्या लड़ेंगे, बाप से क्या लड़े, माँ से क्या लड़े, अरे आतंकवादी होए कोई तो हम लड़े भी उससे और जीत कर भी दिखाएं, पाकिस्तानी हो तो घर में घुस के मारे, भाई लड़ना उनसे अच्छा लगता है जिनसे लड़ाई लड़ने लायक हो। अब कोई अपनी माँ से लड़ने लग जाए, माँ से क्या लड़ना, कोई पत्नी से, आजकल बहुत सारे पुरुष अपनी पत्नियों को मारते हैं, इन सबको बॉर्डर पर भेजना चाहिए, बड़ा शौक लग रहा मारने का, जाओ आतंकवादियों को मारो तो जाने, बेचारी पत्नी पे हाथ उठा रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं हम मर्द हैं, मैं हूं मर्द तांगे वाला, घटिया मर्द हो बढ़िया वाले नहीं हो। बढ़िया मर्द कभी अपनी पत्नी को दर्द नहीं देता, बढ़िया मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी को दर्द नहीं देता। पत्नी मतलब हर स्त्री जात को, स्त्री जात का स्त्री का आदर करने वाला पुरुष होना चाहिए, स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष होना चाहिए। मर्द का मतलब है स्त्री का सम्मान करने वाले पुरुष को मर्द कहते हैं, और जो अपनी पत्नी को मारे, गालों पर थप्पड़ जमाए, पत्नी को क्या मारना, लड़ने का ज्यादा शौक है तो जरा बराबरी का ढूंढो, कोई दो दो हाथ कर लो, अपनी पत्नी को क्यों, आप लोगों में से तो कोई नहीं मारता अपनी पत्नी को, क्यों पत्नी को मारते हो, आप मारते हैं पत्नी को, आप जी शादी हो गई आपकी नहीं मारोगे, आप मारते हैं भैया पत्नी को अपनी, नहीं सही आज तक नहीं मारे, आप मारे हो पत्नी को दादाजी, नहीं आप में से कोई मारा तो नहीं पत्नी को, पत्नी को मारते तो नहीं हो मैया, आप में से कोई पत्नी ऐसी है जो पति से पिटती हो, बताओ ले आना पति को हम समझाएंगे अच्छे से, आपके पति मारते हैं, कहां पति आपके नहीं आए, देखो तो वही नहीं आए, आए होते तो मारते ही नहीं, जो कथा सुनेगा वो सही रास्ते पर ही चलेगा, नहीं सुनेगा तो गलत राह है। इसलिए भीष्म पितामह ने मरना स्वीकार कर लिया था पर शिखंडी पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया, महाभारत गवाही देता है, स्त्री पर हाथ कभी नहीं उठाना चाहिए। हमारे देश का वीर योद्धा, वीर जवान, जो पुराने हमारे यहाँ के महाभारत हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, इन युद्धों में खास नियम थे, नियम ये थे स्त्री पर प्रहार नहीं करना, इसलिए राम जी ने जब सूपनखा आई तो उसे मारा नहीं, नहीं मानी तो नाक कान काटा पर महत्या नहीं की, नाक कान काट दिया, मारा नहीं है ना, हत्या नहीं की, मारा मतलब वो नाक कटवाने लायक ही काम कर रही थी, पीछे ही पड़ी हमसे शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, अब क्या करे जो महिला आपके पीछे पड़ जाए तो नाक ही काटनी, ये नक कटियों की काम है पीछे पड़ जाए, इसलिए अब काटना पड़ा मजबूरी लक्ष्मण जी को। ताड़का आई राम जी के पास तो राम जी ने एक ही बाण मारा, तो आप कहेंगे ताड़का को तो राम जी नहीं, ताड़का को देखकर राम जी मुस्कुराए, ऐसे मुस्कुराए और ताड़का को देखकर मुस्कुराए राम जी, तो मुस्कान पे ही मर गई ताड़का, कोई मारा थोड़ी था, मुस्कुरा दिया राम जी मर गए, पूतना ताड़का मर गई, मुस्कुरा दिए राम जी, मुस्कान पे ही मर गई ताड़का। तो भगवान स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, आप भी मत उठाया करो।